हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 3.0 की आज की इस सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम टेली प्राइम 3.0 में परचेज वाउचर की एंट्री, सेल वाउचर की एंट्री को मल्टी जीएसटी टैक्स लेजर के साथ किस प्रकार से तैयार करते हैं और किस प्रकार से हम सीजीएसटी टैक्स का लेजर, एसजीएसटी टैक्स का लेजर और आईजीएसटी टैक्स का लेजर हम क्रिएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने टेली प्राइम 3.0 की फर्स्ट क्लास इस YouTube चैनल पर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए, जिसमें हमने कंप्लीट प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। प्रॉपर हमने कंप्लीट गाइड हमने डिस्कस किया था भी, जब हम किसी बिजनेस की रियल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो वहां पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है कंपनी क्रिएट करते वक्त टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। और उस कंपनी के जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो लेजर क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है। उस कंपनी की जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो स्टॉक आइटम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम का ग्रुप हम किस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं, उसकी यूनिट हम किस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं, जीएसटी की डिटेल हम लेजर के अंदर, कंपनी के अंदर और स्टॉक आइटम के अंदर किस प्रकार से मेंशन करते हैं। तो ये कंप्लीट डिस्कस हमने 3.0 की फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो अगर आज आप इस सेकेंड क्लास को देख रहे हो तो अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो इस फर्स्ट क्लास को जरूर देखिए, तभी आज की इस क्लास को आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि आज की इस क्लास में हम केवल परचेज वाउचर की एंट्री और सेल वाउचर की एंट्री करने पे ही डिस्कस करेंगे। लेजर क्रिएट करना, स्टॉक आइटम क्रिएट करना और कंपनी क्रिएट करना हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर दिया था। तो नहीं देखा तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहां पर आप हमारी टेली प्राइम 3.0 की प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए, वहां पर भी हमारे इस फर्स्ट क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये सारी बातें हमने बिजनेस के रियल वाउचर के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था भी, किस प्रकार से हमें वाउचर को देख के लेजर क्रिएट करना है, किस तरीके से वाउचर को देख के हमें स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है और किस तरीके से कंपनी क्रिएट करनी है, कहां पर हमें जीएसटी नंबर लिखना होता है, सारा कंप्लीट डिस्कस हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर किया था। और आज की जो वीडियो है सेकेंड क्लास की, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जो अगर हमारे से एक भी मिस होगी तो हमें आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, जैसे कि हमारी आगे जो टैक्सेशन की जो रिपोर्टें बनती है वो गलत हो जाती है। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को भी मिलने वाला है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर टेली सॉफ्टवेयर, बिजी सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत हम। तो सबसे पहले आज हम इस परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे और इस परचेज वाउचर के एंट्री के दौरान हमने इस कंपनी का लेजर और स्टॉक आइटम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं वो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। और हमने फर्स्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था केवल हमने एक सिंगल स्टॉक आइटम को क्रिएट किया था। सेम ही प्रोसेस होता है सभी स्टॉक आइटम क्रिएट करने का, तो मैंने सभी स्टॉक आइटम ऑलरेडी क्रिएट कर लिए ताकि हमारा टाइम ज्यादा खराब ना हो। तो सबसे पहले हम इस परचेज वाउचर की एंट्री को टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से आपको करनी है, किस प्रकार से शुरुआत करनी है, कौन कौन सी बातें आपको सबसे पहले लिखनी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का होम पेज हमारे सामने ओपन है और उसके बाद में आपको यहाँ पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के गेटवे टेली पे वाउचर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी और उन सभी वाउचर्स की शॉर्टकट है जो यहाँ पर दी होती है, जैसा कि आप F4 के अंदर कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कर सकते हो, पेमेंट रिसीव, रिजनल सेल वाउचर, परचेज वाउचर, अदर वाउचर भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले परचेज वाउचर को यूज करोगे तो आप देख सकते हो परचेज वाउचर यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट नहीं है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, क्योंकि जो भी वाउचर यहाँ पर ओपन होएगा वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब जैसे मान लीजिए मेरा सेल वाउचर है तो अब हमारे परचेज वाउचर यहाँ पर आप देखोगे ये सेल वाउचर है। तो अब हमें सबसे पहले परचेज वाउचर की एंट्री करनी है और ये इनके सभी के सामने इनके शॉर्टकट बटन है, तो आप चाहो तो कीबोर्ड से F9 का बटन भी प्रेस कर सकते हो या आप यहाँ से परचेज के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने परचेज पे क्लिक किया ये परचेज वाउचर की विंडो ओपन हो जाएगी, यानी कि अब हम परचेज वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। तो परचेज वाउचर को हम यहाँ पे ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है,
शुरुआत अगर हम करें तो वाउचर नंबर से करनी होती है। अब यहाँ पे वाउचर नंबर एक आ रहा है, जबकि हमारे पास जो टैक्स इनवॉइस आया हुआ है जीएसटी का, उसका जो इनवॉइस नंबर है वो है 324 नंबर। तो अब हमें जो 324 नंबर का जो इनवॉइस है वो दो जगह मेंशन करना होगा, एक तो वाउचर नंबर की जगह और एक दूसरा सप्लायर्स इनवॉइस नंबर की जगह, यानी कि जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पर हमें लिखना ही लिखना है, और इसके साथ साथ हमें इसे नंबर वाउचर नंबर का जो है यहाँ पर भी लिखेंगे। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट एक आ रहा है, तो इसके लिए हमें इसको परचेज वाउचर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करने के लिए वापस हम बैक चलते हैं, एल्टर पे हम जाएंगे, उसके बाद में यहाँ से हम वाउचर टाइप को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम उस परचेज वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद करने के बाद में जैसे हम एंटर प्रेस करते थोड़ा सा आगे आएंगे, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर्स। ये ऑप्शन आपके पास नो है, इसको हम यस करेंगे। तो जैसे हम यस करेंगे तो आप कह रहे हो भी ये ऑटोमेटिक आपकी सीरीज है, यहाँ पर एंटर हम प्रेस करेंगे, सीरीज का नेम है वो हम डिफॉल्ट रखेंगे, और यहाँ पर मेथड ऑफ जो वाउचर नंबरिंग है इसको हम यहाँ से ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल कर देंगे, क्योंकि हम मैनुअल का मतलब भी वो मैन जो डाटा है वो हमें हाथ से मैनुअल रूप से लिखना होगा। और उसके बाद में एक ऑप्शन आपके पास और भी आएगा, वी प्रिवेंट क्रिएट डुप्लीकेट वाउचर नंबर्स, भी आप एक ही वाउचर नंबर के दो इनवॉइस टेली सॉफ्टवेयर में यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो तो आप इसको नो रखोगे, अगर आप चाहते हो भी एक वाउचर की एंट्री हमारे टेली सॉफ्टवेयर में दो बार ना हो जाए, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इसको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। वापिस हम परचेज वाउचर पे चलते हैं, वाउचर्स पर हम आएंगे, और अब परचेज वाउचर पे आगे, तो अब यहाँ पे देखो जो पहले एक नंबर जो दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पर एक नंबर की बजाय वो वाउचर नंबर लिखने की जो है वो जगह तैयार हो चुकी है। तो अब सबसे पहले जो हमारे पास वाउचर नंबर है 324 वो हम लिखेंगे, उसके बाद में डेट 1 मई 2023 रहेगी, और यहाँ पर भी 324 ही लिखेंगे, और उसके बाद में डेट यहाँ पर 1 मई। अब दो जगह डेट पूछी जा रही है सॉफ्टवेयर में, अब हमारी जो ये जो डेट है वो ये मेन डेट है, यानी कि ये वो डेट है यहाँ पर जिस दिन जो हमारे पास प्रोडक्ट हमने परचेज किया वो प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचा है। मान लीजिए 1 तारीख को इनवॉइस हुआ है आपके पास, वो प्रोडक्ट और वो इनवॉइस पहुंचते पहुंचते 3 मई को पहुंचे हैं, तो यहाँ पर हम डेट जो लिखने होंगे वो लिखेंगे 3/5/2023 को, और यहाँ पर जो डेट रहेगी वो डेट रहेगी भी आपका टैक्स इनवॉइस है वो कौन सी डेट को इश्यू हुआ हुआ है। तो इश्यू भी हमारा 1 तारीख को है तो 1 मई आ जाएगी, और यहाँ पर जिस दिन आपके पास गुड्स पहुंचा है वो डेट आ जाएगी। अगर आपके पास सेम डेट पहुंचा है तो आप दोनों जगह सेम डेट रहेगी। उसके बाद पार्टी का अकाउंट नेम, तो पार्टी का अकाउंट नेम हमने विजय ट्रेडिंग कंपनी का फर्स्ट क्लास के अंदर क्रिएट कर लिया था, और उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, यहां से हम आइटम को सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पास प्रोडक्ट में हमारे पास आई हुई है। तो सबसे पहले जैसा कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, टेली सॉफ्टवेयर में हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए हैं, तो इसका लीड बल्ब 25 वाट का। उसके बाद में क्वांटिटी पूछी जाएगी, क्वांटिटी हमारे पास इस इनवॉइस के अंदर 24 पीस है तो हम 24 पीस लिखेंगे, और यहाँ पर एक का रेट दिया जाएगा 176 रुपये का, 176, ठीक है। और उसके बाद के अंदर हमें कुछ जीएसटी के लेजर भी क्रिएट करने पड़ेंगे। अब हमारे पास जैसा कि ये जीएसटी 12% का प्रोडक्ट है, तो हमारे पास हमने एक जीएसटी 12% का लेजर क्रिएट किया हुआ है और एक जीएसटी 18% का लेजर क्रिएट किया हुआ है। तो अब मान लीजिए जैसा कि हमने लेजर किस प्रकार से क्रिएट किया वो आपको मैं बताता हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट कॉमोडिटी का नाम यूज करते हुए एक जीएसटी परचेज का लेजर क्रिएट किया, जैसे कि मेरे पास जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक जीएसटी 12% परचेज के नाम से लेजर क्रिएट कर दिया। अंडर में उसका जो ग्रुप सिलेक्शन है वो मैंने जीएसटी परचेज काउंट को रख दिया, और उसके बाद में टाइप ऑफ लेजर आपसे पूछेगा, उसके अंदर आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, और उसके बाद के अंदर आपको यहाँ से जो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है वो आपको एप्लीकेबल रखना है, और उसके बाद में एचएसएन कोड से डिटेल और जीएसटी से डिटेल वो आपको एज पर कंपनी के अकॉर्डिंग ही रखना है, क्योंकि हमें लेजर के अंदर कोई भी जीएसटी डिटेल है जो मेंशन नहीं करनी है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वापस इसको परचेज और कंट्रोल ए के साथ हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में टाइप ऑफ सप्लाई का एक ऑप्शन और आएगा, जहां पर आपसे 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ से गुड सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करेंगे, और उसके बाद में एज पर मास्टर कंपनी के डाटा और ये जो स्टॉक आइटम के अंदर हमने डिटेल दी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पिक कर लेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास सेकंड आइटम भी आएगी,
उस आइटम को भी यहाँ पर हम लिखेंगे, क्वांटिटी हम यहाँ पर लिखेंगे, जो यहाँ पर इसका जो रेट है प्राइस 87 रुपीज़, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब ये भी जीएसटी 12% का है, तो 12% का लेजर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट है, तो हम यहाँ से इसको जीएसटी 12% में रखने वाले हैं। तो यहाँ से आप देखें, ये ऑप्शन आपके पास आएगा भी, जीएसटी का जो टैक्स रेट है वो एज पर कंपनी देना है, जो सोर्स ऑफ डिटेल है वो इस प्रोडक्ट का नाम है, ये टैक्स बिल है, और यहाँ पर जो जीएसटी 12% है वो हमने जब स्टॉक आइटम क्रिएट करी थी उस वक्त हमने ये डाटा दे दिया था, इसका जेसन कोड क्या है और इसका टैक्स रेट कितना है। तो जो थर्ड आइटम है हमारे पास 400 mm ग्रे की है, और उसके बाद में क्वांटिटीज की 14 पीस हैं, और एक की रेट कर हम बात करें तो 1157 रुपये और 2 पैसे हैं, और ये जीएसटी 18% का प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जीएसटी 18% परचेज का लेजर सिलेक्ट करेंगे। तो 18% का लेजर भी सेम तरीके से क्रिएट होगा जैसे हमने जीएसटी 12% परचेज का लेजर क्रिएट किया था। और उसके बाद में जो फोर्थ आइटम है हमारी पास सेकंड पंप की, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी की 20 है, प्राइस इसका 3360 का, और ये हमारे पास में जीएसटी 12% का प्रोडक्ट है, तो हम इसको यहाँ पे 12% वाले लेजर के अंदर सेलेक्ट करेंगे। और लास्ट आइटम हमारे पास है 9 वाट बल्ब का, क्वांटिटी 37 पीसेस और रेट 114। अब यहाँ पर जो ये रेट है वो बिना जीएसटी के आ रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे, और ये भी हमारे पास जीएसटी 12% का इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से कुछ ये स्टॉक जो टैक्सेबल वैल्यू है हमारी वो 98,365 रुपये और 28 पैसे की बन गई। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देखो 98,365 रुपये और 26 पैसे की अमाउंट बनी है, तो अब ये आपका राउंड फिगर की वजह से 2 पैसे का कोई डिफरेंस आ गया होगा, तो हम इसको चाहें तो यहाँ पर भी इसको 26 पैसे कर सकते हैं, ताकि हमारा जीएसटी एक्यूरेट इनवॉइस के अकॉर्डिंग मैच हो जाए। अब उसके बाद में हमें क्या करना होगा, एंटर प्रेस करते हुए नीचे आना होगा। अब नीचे आने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक तो हमारी स्टॉक आइटम चल रही थी, अब हमें यहाँ पर सीजीएसटी टैक्स और एसजीटी टैक्स को यहाँ पर लगाना होगा। अब हमें यहाँ पर सीजीएसटी टैक्स और एसजीटी टैक्स का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो लेजर को क्रिएट करने के लिए हम एल्ट सी या फिर क्रिएट का यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम यहाँ पर लिखेंगे सीजीएसटी टैक्स, और जो सीजीएसटी टैक्स, एसजीटी टैक्स और आईजीएसटी टैक्स है उनका ग्रुप रहने वाला है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ से टाइप ऑफ ड्यूटी के अंदर हम जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे, और इसमें से हम करेंगे सीजीएसटी टैक्स को, टाइप ऑफ टैक्स के अंदर सीजीएसटी को सिलेक्ट, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन के अंदर आपको कुछ भी मेंटेन नहीं करना, 0 रखना है, एंटर प्रेस करेंगे। और उसके बाद में एक लेजर हम यहाँ पे और क्रिएट करेंगे एसजीएसटी टैक्स का, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा, जीएसटी रहेगा, और एसजीएसटी का टैक्स है यहाँ पर, एसजीएसटी टैक्स को, एसजीएसटी टैक्स टाइप को हम सेलेक्ट करेंगे, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन के अंदर यहाँ भी कुछ नहीं देंगे। तो अब यहाँ देखेंगे तो हमारा जो टैक्स है वो ऑटोमेटिक लग चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आप टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो ये टैक्स की कैलकुलेशन आपकी इस डाटा के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर मैनुअल लिखोगे तो आपका इनवॉइस गलत हो सकता है, वो रिपोर्ट आपकी बिल्कुल गलत बनेगी, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको मैच करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे जो सीजीएसटी टैक्स के अमाउंट 6,387 रुपये और 87 पैसे की है, और सेम हमारा सेम अगला टैक्स है एसजीएसटी का, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 6,387 रुपये 86 पैसे और 6,387 रुपये 86 पैसे। और अगर हम टोटल इनवॉइस की वैल्यू की बात करें तो 1,11,140 रुपये और 98 पैसा बना हुआ है, और इनवॉइस की अगर हम बात करें तो इस इनवॉइस के अंदर जो वैल्यू है वो 1,11,141 है, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि हमारा 2 पैसे का जो डिफरेंस है वो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर हम एक राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करेंगे, एल्ट सी हम यूज करेंगे, राउंडेड ऑफ ऑन का हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, लेजर हमने क्रिएट कर लिया। अब आप इसको एक बार चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रख दो, चाहे इनडायरेक्ट इनकम में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके ऊपर आपको जीएसटी है वो नॉट एप्लीकेबल रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी लग नहीं रही है। तो 0.02 हम करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो इनवॉइस की वैल्यू है वो, और जो हमारे पास सप्लायर के द्वारा हमें इनवॉइस दिया हुआ है वो डाटा हमारा बिल्कुल मैच करेगा। और उसके बाद में ईवी बिल से डिटेल, अगर आपके इनवॉइस के अंदर मेंशन हुआ है भी आपका कितना इनवॉइस बना हुआ है, तो ईवी बिल का नंबर क्या है, तो आप
टेली सॉफ्टवेयर में यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो आप फिलहाल हम इस चीज को स्किप कर रहे हैं, हम धीरे धीरे जैसे जैसे टैक्सेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे इनके अगर हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंटर प्रेस करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम परचेज वाउचर की एंट्री को पास करेंगे। अब हम बात करेंगे सेल इनवॉइस के बारे में। तो ये हमारे पास सेल इनवॉइस है। अब इस सेल इनवॉइस की एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे, सेल वाउचर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेम प्रोसेस रहेगा। अब हमारे पास जो इनवॉइस है, आप इस इनवॉइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर 0001 दिया हुआ है और यहाँ पर बाई डिफॉल्ट 1 आ रहा है। तो हम जिससे हमने परचेज वाउचर को मॉडिफाई किया था, सेम वही प्रोसेस हम सेल को भी मॉडिफाई करेंगे। वाउचर टाइप पे जाएंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारी नंबरिंग सीरीज है उसको हम यस करेंगे और उसके बाद में ऑटोमेटिक की बजाय हम इसको मैनुअल करेंगे और डुप्लीकेट हमारे पास एक्सेप्ट होना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको यस कर देंगे और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। वापस हम वाउचर पे जाएंगे, सेल वाउचर हमने सेलेक्ट कर दिया, अब 0001, क्योंकि ये उस कंडीशन में होता है अगर आपकी कंपनी मैनुअल भी आइटम को रखती हो, सेल इनवॉइस इशू करती हो और कंप्यूटर राइट भी करती हो, तो आप अपना मैनुअल का जो इनवॉइस नंबर है वो हम टेली सॉफ्टवेयर में यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद बात आएगी सेकंड काम हमारा रहेगा डेट का। डेट हमारी 2 मई है तो 2 मई को यूज करेंगे। उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी का अकाउंट नेम यानी कि किसको सेल हमने किए, सुरेश ट्रेडिंग कंपनी को। अब इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे। अब इसका लेजर क्रिएट करने के लिए चाहे तो आप एल्ट सी यूज कर सकते हो या फिर हम यहाँ से क्रिएट का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, आपको यहाँ से टाइप करना पड़ेगा। अब उसके बाद में इसका हम ग्रुप क्या सिलेक्शन करेंगे, ये हमारा कस्टमर है और कस्टमर को हम क्या रखते हैं, सेंडरी डेप्टर में, और जो हमारा सप्लायर होता है जिससे हमने गुड्स परचेज किया होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो सेंडरी डेप्टर में रखेंगे और यहाँ पर इसका एड्रेस हम लिखेंगे, जो एड्रेस इसने हमारे को प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो वो रिकॉर्ड हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसके बाद में जयपुर हम टाइप कर देते हैं। उसके बाद में स्टेट, इसका जो पिन कोड वगैरह डिटेल सारी, इसका ये पार्टी रेगुलर है या कंपोजिशन में अनरजिस्टर्ड में। अब इस पार्टी के पास में जीएसटी नंबर है तो ये जीएसटी नंबर, इसका मतलब ये पार्टी जीएसटी नंबर इसके पास है तो इसको हम कॉपी कर देंगे और यहाँ पर रेगुलर रखते हुए जीएसटी नंबर के अंदर इसको नंबर लिखेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, ये एक सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का हमने लेजर क्रिएट कर लिया। आप चाहो तो इन सभी लेजर को पहले ऑलरेडी क्रिएट करके रख सकते हो और उसके बाद में हमने क्या प्रोडक्ट सेल किया हुआ वो डिटेल यहाँ पर आएगी। उसके बाद में जैसा कि हमारे पास इसका एलईडी बल्ब 25 वाट का प्रोडक्ट हमने सेल किया हुआ है, क्वांटिटी आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 4 पीस और टैक्स हमने यहाँ पर 2 टैक्स रेट आ रहे हैं आपके पास, टैक्स इंक्लूड टैक्स यानी कि इस अमाउंट के अंदर जीएसटी शामिल है और इसके अंदर जीएसटी शामिल नहीं, और यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इंक्लूड ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो इंक्लूड टैक्स रेट का, तो आपको F12 बटन प्रेस करना है और उसके बाद में ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा टैक्स डिटेल के अंदर, प्रोवाइड रेट इंक्लूज ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। तो इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। तो जैसे हम यस कर लेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम 210 रुपये और ये हमारे लिए अब है जीएसटी 12% की सेल। तो अब यहाँ पर हमें सेल के लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। परचेज वाउचर में हमने परचेज के लेजर क्रिएट किए थे और सेल वाउचर में हम सेल के लेजर क्रिएट करेंगे। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जीएसटी 12% सेल, ताकि हमारे ट्रेडिंग काउंट इजी बन जाए और ये हमारा रहेगा सेल्स काउंट में। सेम प्रोसेस जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी, एज पर कंपनी रहेगा, टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर हम इसको गुड्स रखेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट जो स्ट्रोक आइटम है 5 वर्ट और यहाँ पर ये प्रोडक्ट 3 पीस है, एक का रेट 120 है और ये प्रोडक्ट 12% का है। तो 12% का लेजर अभी हमने क्रिएट किया तो हम वही लेजर को यूज कर लेंगे। और इस तरीके से जो तीसरी आइटम है ये 18% का प्रोडक्ट है, 4 पीस है और एक का रेट 1510 का है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1510 रुपये का नेट रेट हम यूज कर रहे हैं, टैक्सेबल रेट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब हमें यहाँ पर एक जीएसटी 18% सेल का लेजर नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सेम जीएसटी 18%
सेल का एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, ग्रुप इसका सेल काउंटर रहने वाला है, और उसके बाद में टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर गुड्स कर देंगे। और इस तरीके से हमारी सारी स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पर बन चुकी है, लिख हमने मेंटेन कर दिया है। और उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स का हम लेजर क्रिएट करेंगे और एक एसजीटी टैक्स का लेजर हम सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने सिलेक्ट किया, अब आप देख सकते हो इस इनवॉइस की जो वैल्यू है वो 7,240 रुपये की है, और टेली सॉफ्टवेयर ने भी हमारा 7,240 रुपये कुछ इस तरीके से बना दी है, यानी कि ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू है और ये हमारी टैक्स की वैल्यू है। और इस वाउचर को हम एक्सेप्ट करते हुए ई इनवॉइस को मैं एक बार स्किप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करते हुए उस वाउचर को हम करेंगे एक्सेप्ट। और ये पूछ रहा है ई इनवॉइस के लिए, ई इनवॉइस को मैं नो करूँगा। अभी ये ई इनवॉइस क्या चीज़ है, ई वे बिल क्या चीज़ है, ये हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो इस तरीके से ये हमारी सेल वाउचर की एंट्री है। अगर आप इस सेल वाउचर का हम प्रिंट व्यू देखेंगे तो कंट्रोल पी हम करेंगे, व्यू पे हम जाएंगे और यहाँ से एल्ट जेड करोगे तो कुछ इस तरीके का ये सॉफ्टवेयर है जो इनवॉइस है वो आपको तैयार करके दे देगा। और इस इनवॉइस के अंदर कुछ आप देख सकते हो हमारे पास ये डिटेल्स भी है, जहाँ पर ये कुछ डिलीवरी के नंबर, गाड़ी के नंबर, ठीक है ना, जीआर नंबर वगैरह, ये सारी डिटेल है। अगर आप ये डिटेल लिखना चाहते हो साथ में, तो आपको जैसे हमने एंटर प्रेस किया, कोई भी विंडो ओपन नहीं होगी, यहाँ पर आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे, प्रोवाइड बाय डिटेल्स के और डिस्पेच ऑर्डर डिटेल्स, इन दोनों ऑप्शन को हमको यस कर देना है। कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे, तो जैसे अब हम सुरेश ट्रेडिंग कंपनी को एंटर प्रेस करेंगे तो वो डिस्पेच की जो डिटेल है, यहाँ से हम उन सभी डिस्पेच को लिख देंगे। ये कौन सा डाटा रहेगा जो हमारे पास टैक्स इनवॉइस के अंदर, ये कुछ इस तरीके से जो बन के आता है, ये डिटेल हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे। तो जब हम कस्टमर को प्रिंट देंगे तो वहां पर वो डिटेल ऑटोमेटिकली आपकी प्रिंट के साथ आ जाएगी। अगर आप इस विंडो को अभी एक बार फिलहाल स्किप करना चाहते हो तो आप F12 बटन प्रेस करके इन दोनों ऑप्शन को आप नो कर सकते हो। तो इस तरीके से आज की इस क्लास में हमने सीखा है कि हम परचेज वाउचर की एंट्री किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से हम परचेज के लेजर क्रिएट करेंगे, और किस प्रकार से हम सेल वाउचर की एंट्री करते हैं, और किस प्रकार से सेल वाउचर सेल के हमें लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं। कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद में अगर हमें किसी कस्टमर का लेजर देखना हो तो लेजर देखने के लिए डिस्प्ले पर हम जाएंगे, अकाउंट्स बुक्स को सिलेक्ट करेंगे और लेजर को सिलेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद हमने अगर किसी हमारे सप्लायर का लेजर देखना हो तो सप्लायर का लेजर आ जाएगा, भी इसका जो बैलेंस है वो 1,11,141 का क्रेडिट है। और इसी तरीके से अगर हमें दूसरा लेजर देखना हो तो एस्केप करके वापस बैक आ जाएंगे और उससे सेकेंड लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमारा कस्टमर था, एक नंबर इनवॉइस था और 7,240 रुपये की अमाउंट थी। एंटर प्रेस करेंगे तो सेम वॉइस सेल इनवॉइस है जो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।